6 या 8 महीने से कम हुए हैं जिम करते तो ये वीडियो मत देखो, आपके काम की नहीं है, आपको समझ भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप बेसिक्स ट्राई करो, उसके बाद ये चीज़ें आना। मेरे चैनल पे और वीडियोस हैं, वो देखो पहले, बेसिक्स वाली ये बाद में देखना। तो जो लोग अब तक बने हुए हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दमन सिंह, आई एम फिटनेस ऑथर एंड ट्रेनर। तो आज की वीडियो बात करेंगे, यार बहुत लोग फेलियर तक नहीं पहुंच पाते हैं जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिम में। फेलियर यू नो कि अगर आपने मान लो 12 रैप्स करने की चीज़ के, तो आप उस वेट के साथ सिर्फ 12 रैप्स ही कर सको, उससे ज़्यादा ना कर सको, दैट इज़ फेलियर, राइट। 10 रैप्स करने हैं तो 10 रैप्स से ज़्यादा आपसे ना निकलें, आप पूरे वो 10 रैप्स तक पहुँच जाएँ, दैट इज़ फेलियर। और फेलियर रैंकटी वर्ड नहीं है, इट्स अ गुड वर्ड इन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी वेट के साथ 15 रैप्स कर सकते हैं, 20 रैप्स कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 12 ही किए, दैट इज़ नॉट फेलियर। जैसे कि लोग ट्रेनर आम जनरली बोल देते हैं कि इस वेट से लेके 12 रैप्स कर लो, चाहे वो बंदा 20 रैप्स भी कर सकता है लेकिन वो सिर्फ 12-12 की सेट लगाएगा, दैट इज़ नॉट फेलियर। तो मायोरेप ट्रेनिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन गाइज कि आपको फेलियर तक लेके जाना, लेस टाइम में आपको ट्रू फेलियर तक लेके जाना। तो जैसा कि जनरली बोला जाता है कि लास्ट के जो 3-4 रेप्स होते हैं, दैट इज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट टेस्ट योर एबिलिटी। जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी यही बात बोली थी कि दीज 3-4 रेप्स आर व्हाट दैट बिल्ड्स योर मसल, उनकी कोट है ये। तो इसको भी कंपेयर करते हैं हम जनरल ट्रेनिंग से, क्या होता है कि मान लो आप एक बारबेल कर्ल कर रहे हो, राइट। तो उसमें आप पहला सेट करोगे 12-15 रेप्स करोगे, सेकेंड सेट करोगे 1 मिनट का रेस्ट लेके, फिर आप 12 या 10 रेप्स लगा लोगे, फिर 1 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर आप 10 या 8 लगा लोगे, राइट। ऐसे आप चलते जाओगे। लेकिन आप अगर मान लो आपने 4 सेट करने हैं तो आप पर सेट 1 मिनट का रेस्ट लेके आप ये चीज़ करोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ट्रू फेलियर तक पहुँच रहे हो या नहीं पहुँच रहे हो। लेकिन मायोरेप ट्रेनिंग सिस्टम में क्या है कि आप एक मेन सेट करेंगे, जैसे हम एक्टिवेशन सेट बोलते हैं, जो फर्स्ट सेट आपका होगा बारबेल कर्ल का किसी भी वेट के साथ, जिससे आप 12 से 15 रेप्स कर सकें। उसके बाद आप मिनी सेट्स करेंगे, छोटे सेट्स विद शॉर्ट रेस्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट रेस्ट पीरियड, 15 से 20 सेकेंड। तो बारबेल कर्ल आप एग्जांपल ले लीजिए, आप बारबेल कर्ल कैसे करेंगे मायोरेप ट्रेनिंग सिस्टम के हिसाब से। पहला सेट आप करेंगे एक्टिवेशन सेट, जिसे हम बोलते हैं इस टेक्निक में, तो उसमें आप 12 से 15 रेप्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 15 से 20 सेकेंड रेस्ट लेके नेक्स्ट सेट अपना, जो आपका सेट है वो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स पहले ही पंप होंगे, तो आपको रेस्ट भी कम मिला है, तो आप ज़्यादा रैप्स नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इफेक्टिव रैप्स जिसे हम बोलते हैं वो कर पाएंगे, आप सिर्फ 5 से 6 रैप्स कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने सही वेट लिया होगा तो 15 सेकंड का रेस्ट लिया, 5 से 6 रैप्स, फिर आपने 15 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर 4 से 5 रैप्स आएंगे। ऐसे करते करते जब तक आप देखो कि सिर्फ आप 2 या 3 से ज़्यादा ना कर पाओ, वहाँ पर बंद कर दो, राइट। सो मिनी सेट्स यहाँ पे होंगे हमारे 3 से लेके 5 तक। ये मेरी वीडियो है, आगे ये लाइव सेट है, 2.5 मिनट का मेरा सेट था। इसके बाद मैंने और बाइसेप्स के कुछ नहीं किया था, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वांटेड, कि एक एक्सरसाइज सिर्फ 2.5 मिनट में कंप्लीट हो गई थी पूरी, और पूरा फेलियर तक रीच हो गया था। तो इसको आप स्पीड तेज करके देख सकते हैं। Shape culture in a cool ass way. Love is a force that has the power to change the world. And we should have so much fun in the process.
गाइस इसी सिस्टम को लेके कुछ ध्यान रखने वाली बात कि नंबर वन कि ये एक एडवांस लेवल टेक्निक है या इंटरमीडिएट आप बोल सकते हैं, मतलब ये इससे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको काफ़ी समझदारी से इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ट्रेनिंग पे, ठीक है। जब भी आप ट्रेनिंग टू फेलियर करते हो, फेलियर तक ट्रेनिंग करते हो, वो आपके मस्कुलर सिस्टम और इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालती है, फटीग का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक मसल ग्रुप के लिए एक दिन में आप सिर्फ MYOREP सिस्टम में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करें, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में इस MYOREPS का इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे बाद में कुछ हफ्ते आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको कितनी सोरनेस आ रही है, उसके हिसाब से आप बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि आप एकदम से 2 या 3 एक्सरसाइजेस का करने लग जाएंगे, राइट। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था, पिछले इसी जनवरी की बात है, मैंने अपने क्लाइंट्स की सेम 3 एक्सरसाइजेस थी बाइसेप्स की, उसमें एक लिखा था उसको कि MYOREPS सिस्टम से करनी है, ठीक है। एडवांस क्लाइंट था वो, और उसने क्या किया, उसको अच्छा लगा, बहुत पंप आया, तो तीनों की तीनों उसने MYOREPS सिस्टम से कर दी, केबल वाली थी और बारबेल थी ये वो, तो तीनों की तीनों ही डिड दैट विद MYOREPS। और नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ठीक रहा, 25-26 घंटे बाद उसका फ़ोन आता है कि इतना मतलब आम मेरी मूव नहीं हो रही है। मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया, तो बोला मैंने तीनों उससे कर दिए थे, ठीक है। तो ऐसा मत करें, बिकॉज इट्स प्लेस एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन योर एनी मसल ग्रुप। आप नए होते हैं तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस आता है उस चीज़ का, ठीक है। तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करना एक बार में, अगर आपको सोरनेस नहीं चाहिए तो ज़्यादा। और तीसरी बात, डेली सिर्फ आप 1 या 2 एक्सरसाइज ही कीजिए इसकी, और धीरे धीरे से मैंने कहा आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इससे आपको कितना पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप करेंगे, चाहे बाइसेप्स है, चाहे शोल्डर्स हैं, चाहे चेस्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये MYOREP ट्रेनिंग सिस्टम इज़ मोर प्रेफरेबल अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करते हैं इसके साथ, बिकॉज ये सिस्टम आप डेडलिफ्ट, स्क्वाट या बेंच प्रेस पे यूज़ मत कीजिएगा। करने को कर सकते हैं मैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आपकी फॉर्म ब्रेकडाउन होगी, बिकॉज एंड पे आप जब 2 या 3 रेप्स पे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आप वेट ड्रॉप कर सकते हैं, खुद को इंजर कर सकते हैं। सो आई प्रेफर दैट विद आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ओनली। मान लो अगर आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है MYOREPS के साथ, आप बेंच प्रेस नहीं करेंगे, आप केबल फ्लाइज या मशीन फ्लाइज कर लेंगे। तो दैट्स इट, अच्छी टेक्निक है, टाइम सेविंग टेक्निक है, आप 25 मिनट के करीब में पूरा वर्कआउट कर सकते हैं आप जब ग्रेजुअली यूज टू हो जाएंगे इसके, ठीक है। और आप मुझे बताएं आप कौन कौन सी एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं, या आप चाहते हैं मैं कुछ और एडवांस टेक्निक्स पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और गाइज चेक आउट माई न्यू चैनल एज वेल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लो, नहीं अच्छा लगे ना करो, ठीक है। That's about it. This is Daman Singh signing off. जो भी है बिना टीके का है, है?